बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से जा रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 में मॉड्यूल नंबर 26 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सेस नोटेशंस के बारे में देखेंगे कि एक्सेस नोटेशंस क्या होती हैं और इनको बनाने का तरीका देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सेस का लफ्ज़ी मैनी होता है इजाफ़ा करना, या कोई चीज़ इजाफी हो उसको हम एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो इसी लफ्ज़ी मीनिंग से हम इसको देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एक्सेस 8 नोटेशन को देखेंगे, फिर एक्सेस 4 नोटेशन को। जैसा कि आपको पता है, 7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1 1 1 होता है, ठीक है। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 7 का डेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट करके देखा, लेकिन अगर हमने देखना हो कि एक्सेस 8 में 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या कर लें, 7 में 8 को ऐड कर लें, ठीक है। तो वो आपके पास 1 1 1 यानी 4 दफ़ा 1 बन जाएगा। तो एक्सेस 8 में जो 7 की रिप्रेजेंटेशन होगी वो 4 टाइम 1 1 1 होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा काम है। किसी भी नंबर की आपने एक्सेस एट नोटेशन बनानी है तो उसमें आप 8 ऐड कर लें। जैसे 4 है, 4 में हम 8 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो 12 की आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें, जो भी होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो कि एक्सेस 8 नोटेशन में किसको शो करेगा, 4 को शो करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेकेंड वन ये है कि एक्सेस 8 नोटेशन में जो नंबर होंगे वो 0 से +7 तक और माइनस में -8 तक आएंगे। ये चीज़ याद रखनी है, यानी एक्सेस 8 नोटेशन में -9 शामिल नहीं होगा और ना ही 8 शामिल होगा प्लस में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह एक्सेस 4 नोटेशन की तरफ आ जाएं। एक्सेस 4 में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें 4 ऐड कर देंगे। जैसे 3 था, तो 3 को हमने एक्सेस 4 में देखना है तो इसमें प्लस कर देंगे 4, तो वो आपका 7 बन जाएगा। 7 की आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखने क्या होगी, वो आपको पता ही है, चेंज करना या कन्वर्ट करना आता ही है, जो कि 1 1 1 बनेगी। तो ये आपकी एक्सेस 4 नोटेशन आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह अगर आपने एक्सेस 16 नोटेशन को देखना है तो वो भी इसी तरह ही बनेगी। आपने कोई भी नंबर लेना, उसमें आप 16 ऐड कर दें, जो भी नंबर आएगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, वो आपकी उसी नंबर की एक्सेस 16 नोटेशन होगी, ठीक है। इसी तरह एक्सेस फोर नोटेशन में भी याद रखिएगा कि 3 तक +3 तक नंबर होंगे और -4 तक नंबर होंगे। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। और 0 जो है वो इसमें 1 0 0 को शो करेगा, उसमें एक्सेस 8 में 0 ट्रिपल यानी इसमें 4 बिट्स आ जाएंगे। अगर 16 में लेंगे तो 16 में एक और बढ़ जाएगा, यानी इसमें 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। 16 नोटेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इनको आप रीडिंग कर लीजिएगा, ये सिंपल है, इसमें यही चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर टेबल में समझा के बताई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।